Today, a video standard 2 maths exercise 1A part 1 है ये. Question number 1, write the numeral for each of the following numbers. Because ये सारे question हम लोग पीछे बनाए हुए हैं, इसलिए ये जो है आपको दिया गया है, छोटा छोटा पार्ट्स है, घर में बैठ करके आप इसको बना सकते हैं. जैसे पहला ए नंबर 9018, वंस टेंस 100,000. देखिए 9018 हो गया क्योंकि ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इस चीज को बनाए हुए हैं. दूसरा बी नंबर है 54,073, आप खुद लिखेंगे. 3,02,506 आप लिखेंगे. 20,10,506 आप लिखेंगे. 6,05,57 आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड. पहला नंबर इसको वर्ड में लिखना, 63 जैसा ये है वैसे लिखना है. SIXTY करके आपको इसको लिखना है. 63,005 हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ 63,005 हो जाएगा. दूसरा नंबर और तीसरे और चौथे नंबर को खुद सेल्फ से बनाना है. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको देखिए एक बनाया हुआ है, आपको एक्सपेंड करना है. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स, ये सारा चीज आप लोग पिछले में भी एक्सपेंडेड किए हुए हैं, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा. इस सबको बना लेना है. कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कंटिन्यू आप देखते रहिए. और इसमें आगे आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, राइटिंग शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड रहेगा और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना. इसको यहाँ ऐड करके लिखना है. तो ऐड करने में इसमें कुछ भी एक ट्रिक है. जैसे ये देखिए वंस में अकेला जगह है, यहाँ टेंस वाला नहीं है, हंड्रेड है लेकिन टेंस नहीं है. इसलिए इसके क्या करेंगे, वंस के नीचे तो वन लिखेंगे और टेंस है ही नहीं, है नहीं तो इसके लिए जीरो डालेंगे. हंड्रेड के प्लेस पर देख रहे हैं हमारा टू है तो यहाँ टू डाल देंगे. और थाउजेंड के प्लेस पे देख रहे हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, फाइव है तो यहाँ पर फाइव डाल देंगे. और टेन थाउजेंड में वंस टेंस हंड्रेड, उसके बाद वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड में देखिए वन यहाँ है, यहाँ पर वन डाल देंगे. इस तरह से बिना ऐड किए आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं. ये आपके लिए कुछ सवाल हैं, इसको आप बनाएंगे. ये आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, इसको बनाएंगे. और ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को बनाना है और अच्छे से हम लोग इसको करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास रहेगा कि ऐड द फॉलोइंग. तो ऐड करेंगे, एकदम सिंपल सा ऐड है, उसको ऐड करेंगे हम लोग. ऐड कर देना है. ऐड करके देखना है जीरो वाला, ये ऐड कर देना. ये 5 नंबर में 3 क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन भी आपके पास है, ऐड कर लेना है ये, ऐड कर लेना है. उसके बाद
आगे आपको दिखा रहे हैं सिक्स नंबर में क्या करना है वो देखिए। सिक्स नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग पीछे में जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है तो उस पढ़े हुए से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे जानेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जान जाएंगे अगले क्लास में क्या क्या होने वाली, रिवीजन क्लास जैसे होता है। कन्वर्ट इट टू मीटर, मीटर में बदलना है, जो भी है उसको मीटर में बदलना है। तो जैसे पहला है, आपको 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर, तो आपको कन्वर्ट कैसे करना है, तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो 5 × 1000, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5000 मीटर, यही 5000 मीटर हम लोग डाल देते हैं। इस तरह से बी नंबर के सवाल 9 किलोमीटर एंड 200 मीटर, इसको भी बदलना है मीटर में, तो इसमें क्या करना होता है कि 9 × 1000 और प्लस 200, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में बदला हुआ, ये हो जाएगा 9000 प्लस 200, ये हो जाएगा 9200 मीटर। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 9200 मीटर। सवाल आपके पास नीचे दे रहे हैं, तो आपको बनाना है 5 किलोमीटर इतना मीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, 9 किलोमीटर 10 मीटर, इसको मीटर में बदलना है, उसके बाद 10 किलोमीटर 250 मीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर। तो ये भी आपको 2 सवाल दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा आपको खुद बनाना है। आगे है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन में हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 3 में पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ सवाल है, उसको आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में आपको करना है कि राइट द फ्रैक्शन टू द शेडेड पोर्शन, हिस्सा, जो हिस्सा है शेड वाला हिस्सा है उसको देखिए, इसका आपको फ्रैक्शन यहाँ पर लिखना है। ये नंबर देखिए, ये क्या लिखेंगे, शेडेड वाला है तो ये 1 ऊपर चलाएगा, टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 1/4, इस तरह से आप लोग कंप्लीट बनाएंगे। दूसरा बी नंबर है, यहां इसको लिखना है। सी नंबर, यहां पर लिखना है, और डी नंबर में इसका यहां पर लिखना है, इस तरह से इसका पोर्शन जो है आपको लिखना है। तो ये राइट द फ्रैक्शन शेडेड पोर्शन। अब आपको एक सवाल जो है, 2-3 सवाल और आपको देंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आप लोग घर में बैठ के आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, राइट ही रोमन नंबर टू द फॉलोइंग,
आपको रोमन नंबर में लिखना है, जैसे 20 है तो 20 के लिए क्या होता है, एक्स और एक्स होते हैं, आप लोग को पता है 1 से लेकर के 10 तक, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रोमन पिछले क्लास में ही पता है, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें, हम लोग जान लें, लिख लें। 98, 78 और 69, ये सारे रोमन में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में राइट इन हिंदू अरेबिक नंबर, सबसे पहला नंबर, अब रोमन से उसको हिंदू अरेबिक में डालना है। मान लीजिए यही 20 है, यहाँ ये 20 हो जाएगा, तो वो आपको लिखना है। एंड एक्स हो गया, ई नंबर में एक्स और एल हो गया, एफ नंबर में आपके पास हो जाएगा डबल सी, तो ये आपको बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बनाना है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रुपीज 1 इज इक्वल टू 10 पैसे, रुपीज 5 इज इक्वल टू 10 पैसे। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मिला है, इसको अपने से घर में बनाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, और हम लोग उसको देखेंगे कि किन बच्चों ने अपना नाम